मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द वीडियो। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। बाकी मस्त वाली धूप में मस्त वाला ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। टाइम लगभग 11:03-4 हो गए हैं। बाकी सामने धूप इतनी सही लग रही है ना, और आज का जो ब्लॉग है घर के बाहर से स्टार्ट कर दिया है। सो अभी मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा ट्रैकिंग कर लेते हैं आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं। तो अभी चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ को, मौज मस्ती करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन वाली भी देने वाला हूँ इसके अंदर, क्योंकि 31st आने वाला है 2-4-5 के बाद ही। आपको पता है काफ़ी नैनीताल में क्राउड होने लग जाएगा। 24-25 तारीख से तो पूरा नैनीताल बम पर तरह से भर जाता है एकदम। तो अभी ऊपर चल के धीरे धीरे बताऊंगा, बाकी देखता हूँ कहाँ तक जाऊँगा। वैसे मूड बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाने का नहीं है, लेकिन मेरे मूड का कुछ पता नहीं है, कहीं भी चले जाता हूँ मैं। सो अभी ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं। एंड पर आने के बाद तो मेरे को बिल्कुल अलग फील हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर बड़े सही पेड़ लगे हुए हैं एंड यहाँ अलग ही मस्ती हो जाती है। मैं पहुँच गया हूँ DIG साहब के घर के बिल्कुल सामने। थोड़ी देर यहाँ पर घूम सकते हैं एंड यहाँ से जो व्यू मिलता है वो आपको पता है, मैं कई बार यहाँ व्यू देखने के लिए भी आता हूँ। व्यू देख लेते हैं एंड यहाँ थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं धूप के साथ में। इधर है अपना नैनीताल लेक एंड DSC ग्राउंड। बाकी यहाँ से वादियाँ देख सकते हैं आप पूरे शहर की। इधर को धूप से देख सकते हैं। मैंने जो शूज़ पहने हैं ना, थोड़ा ट्रैकिंग टाइप के ही हैं। हालांकि ये मेरे को परसों थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे जब मैं वहाँ पंगोट गया था, लेकिन ये थोड़ा बहुत अभी मेरे को कम्फर्टेबल लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इनको ना कंटिन्यू पहना है, बाकी रखे रहते हैं। बाकी सामने से व्यू मैं इस तरह का देख पा रहा हूँ, बहुत मज़े आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाऊँगा, जो मेरा फेवरेट घर है वो सामने वाला है, कोटवारा लॉज। बाकी सामने से देख सकते हैं भाई, ब्लैक डॉग क्या मस्त है ना, और मेरे घर के थोड़ा सा ऊपर आकर के एरिया नैनीताल का सबसे ज्यादा ठंडा एरिया है। इतनी ज्यादा ठंड रहती है ना यहाँ पर, सुबह से शाम तक ठंडा ही रहता है। करते मैं एयरपोर्ट का जो मेन लास्ट वाला पॉइंट है वहां तक आ चुका हूँ। मेरा मन कर रहा है यहाँ से टिफिन टॉप जाने का, बिकॉज सामने से जो धूप पड़ रही है उसको देख देख कर मन कर रहा है कि वहां जाकर के देखेंगे टॉप हिल। बाकी व्यू बहुत अच्छे आएंगे वहां के, आपको पता है, एंड व्यूज और यहाँ का जो नेचर है इस वक्त बहुत अलग अमेजिंग हो रहा है। सो अभी ट्रैक मेरा स्टार्ट होने वाला है थोड़ी देर में, थोड़ा सा आगे जाकर। जहाँ से मेन ट्रैक स्टार्ट होता है टिफिन टॉप का, मैं जस्ट वहीं पहुंच चुका हूँ। बाकी स्टोन वाला रास्ता है भाई, एकदम अमेजिंग। इसमें चलने में बिल्कुल अलग लेवल का फील आता है। सो अभी चलते हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम अभी लगभग 1 महीने पहले गया था, आपने देखा लास्ट ब्लॉग। तो अभी चल रहे हैं यहाँ से टिफिन टॉप की तरफ को। बाकी मैं अकेले आ गया हूँ, जबकि मेरे साथ लास्ट टाइम में बच्चे आए थे, आपको पता है, बहुत सारे मेरे भांजे 3-4 लोग थे, और 2 आयरन मैन सुखताल से भी आए हुए थे। तो अभी फिलहाल चलते हैं ऊपर की तरफ को, और अभी का जो वेदर है ना काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ ऊपर। देख सकते हैं आप क्या लेयर चल रही है ना टिफिन टॉप। अभी एक डॉग दिखाया भैया, इसके ब्रीड का मुझे नाम पता नहीं है, बिकॉज मैं डॉग्स के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ। बट भाई क्या डॉग था ना, देखा आपने भाई साहब, इतना डर लग रहा था ना उसके बगल में खड़े होने के बाद, जबकि वो अंदर मुझसे काफ़ी दूर एक रेलिंग बनी हुई थी, उसके बाद भी मुझे डर लग रहा था। तो फिलहाल गाइस काफ़ी आगे हूँ ट्रैक करते करते एंड जो टिफिन टॉप के रास्ते में पहला पॉइंट पड़ता है, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी ने, आपको पता है, स्टडी की है, एंड पूरे नैनीताल के जो बेस्ट स्कूल हैं शहर के अंदर एयरपाटा में, वो सारे जो कॉलेज हैं, गवर्नर हाउस, NGVR कॉलेज, शेवर्ड कॉलेज, सारे कॉलेज जो दिखाई देते हैं, तो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ एंड यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ जब भी आप आएंगे ना, आपके यहाँ का जो वेदर है अलग ही क्लाइमेट मिलेगा हमेशा से। अभी देखो कितने सारे क्लाउड्स लगे हैं। बाकी यहाँ का व्यू देखो आप कितना ज़बरदस्त है, नीचे को दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गाइस भाई क्या सुंदर नज़ारे ना। ये देखिए आप यहाँ से सारे स्कूल कॉलेज, कोई भी कॉलेज के अंदर देख सकते हैं आप यहाँ से, वो देख रहे हैं आप। इधर गवर्नर हाउस भी बना हुआ है सामने, वो है गवर्नर हाउस, हरा हरा सा दिख रहा होगा आपको, वो गवर्नर हाउस है। बाकी सामने देख रहे हैं आप सारे कॉलेज बने हुए हैं, सबके नाम पता है मेरे को, सब कुछ जितना भी इस पूरे एरिया का सारा, यहाँ से मल्लीताल तलीताल, ये तो पूरा एरिया तलीताल वाला ही है मतलब नीचे का, तो मेरे को सब पता है कहाँ से क्या है। नीचे को भवाली तक का दिख रहा है यहाँ से। चलिए वापस चलते हैं एंड इधर को चलते हैं अपने टिफिन टॉप के मेन पॉइंट की तरफ को। तो ये टिफिन टॉप के रास्ते में पहला पॉइंट है यहाँ का टिफिन टॉप का। बाकी यहाँ का सबसे बेस्ट पॉइंट जो है मतलब इस रास्ते का टिफिन टॉप ही है, तो वहाँ मैं जा रहा हूँ बस। मेरे को 10 मिनट और लगेंगे यहाँ से, 300 मीटर भी नहीं होगा मेरे ख्याल से अब, क्योंकि लास्ट टाइम आया था तो मैंने पूरी तरह से पूरे रास्ते को काउंट कर लिया था, जबकि मैं लास्ट टाइम भी काफ़ी टाइम के बाद आया था यहाँ पर, लगभग बहुत छोटा था तब आया था मैं, तो इस बार मेरे को याद है थर्ड टाइम आया हूँ मैं लगभग यहाँ पर। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा और आगे, कुछ लोगों की आवाज़ भी आ रही है शायद मेरे को, वैसे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, दूर दूर तक का कोई भी नहीं है यहाँ पर, पूरे रास्ते में अकेले अकेले आ गया हूँ मैं, जंगल जंगल। आपको सामने वाला जो फॉरेस्ट है, यहाँ कोई मिल गया मूवी की, पूरी यहीं पर हुई है भाई, बहुत ज़्यादा शूट किया हुआ है यहाँ पर।
आपने देखा होगा कई बार वो प्लेन को वहाँ लैंड करते हैं जंगल में, तो वो सारा एरिया यहीं पर जहाँ पर एलियन को नीचे लाते हैं, एलियन को उतारते हैं वहाँ पर, मतलब बहुत सारा शूट्स यहाँ हुआ हुआ है। बट थोड़ा सा आगे जाने के बाद दिखाई देगा यहाँ से, मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ। वैसे मेरा शॉर्टकट यहाँ से है तो, लेकिन देखता हूँ मैं अगर उधर को जाऊँगा ना पूरा दिखाऊंगा। ये एक ग्राउंड टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर है सब कुछ जिसमें शूट्स हुए हैं। अभी भी गड्ढा बना हुआ है, वो गड्ढे में उसको उतारते हैं क्या करते हैं पता नहीं। ये सामने वाला जो एरिया ना पूरा इसी में हुआ है कोई मिल गया मूवी का शूट्स, काफ़ी ज़्यादा शूट्स किए हुए हैं यहाँ पर। एंड सामने से हॉर्स भी आ रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो ट्रैक ना सामने वाला पूरा हॉर्स राइडिंग का ही है। तो यहाँ से सारे मतलब बारह पत्थर पहुँचने के बाद आपको यहाँ से हॉर्स मिल जाते हैं, उसके बाद फिर आपको इजीली यहाँ आने के लिए मिल जाता है अगर आपने ट्रैक नहीं करना है तो। अब मेरी तो आदत भी है, मेरे को मज़ा भी आता है मतलब ट्रैक करने में ही। मैं टिफिन टॉप के मेन पॉइंट पर पहुंच ही चुका हूं, बाकी सामने से एक शॉप भी मिल गई है मुझे। एंड यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट हैं और बहुत सारे घोड़े भी खड़े हुए हैं यहाँ पर। ये घोड़े बारह पत्थर से लेकर के आ रहे हैं, जो लोग मतलब ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं वही लोग लेकर के आते हैं इधर बाय हॉर्स आते हैं। बाकी मैं तो भाई आपको पता है एक तरह का घोड़ा ही हूँ, तो मैं तो कहीं भी चले जाता हूँ। तो अभी सामने चलते हैं, वहाँ मेन पॉइंट है उस जगह पर। तो गाइस अपना ट्रैक तो कंप्लीट हो गया है, बस ये स्टेयर्स बचे हैं पाँच सात नहीं 15-20 होंगी ये, तो इनको भी कवर कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ के व्यूज लेते हैं, मजे लेते हैं। सो फाइनली लगभग हम पहुँच गए। वो भाई यहाँ तो रोपलिंग भी होती है, देखो यहाँ से रोपलिंग कराते हैं लोग। एंड रोप रखी हुई है यहाँ पर, और इधर से देखते हैं यहाँ क्या है, वहाँ भी बाद में चलेंगे। अरे वाह, रस्सी से नीचे को भी उतारते हैं, मतलब बहुत बढ़िया, गुड। तो यहाँ ये भी कर सकते हैं मतलब हम, मेरे को तो नहीं करनी है बिकॉज मेरे पास कैश भी नहीं है। एंड मेरा UPI जो है मैंने अपने फ़ोन में क्रिएट नहीं किया हुआ क्योंकि ये फ़ोन ठीक नहीं है मेरा। भाई सामने देखो हिमालय, बिल्कुल भाई एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है देखो, एकदम मस्त भाई साहब, क्या मस्त लग रहा है ना। थोड़ी देर आराम से धूप सेकूंगा, बहुत तेज़ धूप तो नहीं आ रही है लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है तेज़ होने वाली है। हाँ तेज़ हो गई देखो, तो अब आराम से धूप सेकेंगे थोड़ी देर, उसके बाद में फिर चलेंगे नीचे। तो वैसे भी चलते हैं सामने मेन पॉइंट पर एंड वहाँ से आपको सारे व्यूज़ दिखाता हूँ और थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं वहाँ पर। वैसे तो रिलैक्स फील यहीं पर हो रहा है पर वहाँ थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा क्योंकि वो मेन पॉइंट है। तो मैं यहाँ को भी देखता हूँ लेकिन मैं यहाँ गया नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, मैं इधर को गया नहीं हूँ, पहली बार जा रहा हूँ अभी। और यहाँ का और भाई साहब उतरेगी बहुत ज़्यादा हाइट, कुछ नहीं होगा, ये फोटो के चक्कर ठीक है। भैया मुझे मना कर रहे हैं, भैया मुझे मना कर रहे हैं। बाकी है ना, आज मैं पहली बार लास्ट पॉइंट पर आ गया हूँ स्टीफन टॉप के, हालांकि मैं यहाँ तक आता हूँ उसके बाद फिर वापस चले जाता हूँ। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, मेरे आगे से कोई नहीं है, बाकी आगे नीचे मौत है। मना कर रहे हैं कुछ लोग, वाकई में काफ़ी रिस्की हो जाता है कई बारी अगर ऐसी जगह चले जाओ तो। ऐसा कोई टॉप नहीं है जहाँ पर मैं गया नहीं हूँ, आपने देखे हैं सारे ब्लॉग्स मेरे, इस पर नहीं गया हूँ अभी। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है, तो इस पर जाने का प्लान करना पड़ेगा मुझे अभी कुछ 31st तक तो खैर बिजी रहूँगा, उसके बाद में फिर ट्राई करेंगे यहाँ जाने का जी। काफ़ी मौज मस्ती हो गई है इधर, अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं उसके बाद में फिर यहाँ से मौज मस्ती करते हुए वापस घर, वहाँ लेक के पास चलेंगे फिर वहाँ मौज मस्ती करेंगे। जाने का टाइम आ गया, काफ़ी मौज मस्ती हो गई है, अभी चलते हैं। लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं करता बिकॉज ये पहाड़ियाँ देखने के बाद ना मन करता है यहीं रहो, दिन रात यहीं बैठ जाओ आराम से, क्योंकि यहाँ से जो व्यूज़ मिलते हैं ना वो मतलब इस टाइप के टॉप से जो व्यूज़ मिलते हैं ना वो आपको नैनीताल शहर के अंदर नहीं मिल पाते हैं। तो बस चलते हैं इसी के साथ में नीचे मौज मस्ती करते हुए। भाई तो मैंने बोला जब बनती हो तो बन कर दो। मैं अब नीचे उतर चुका हूँ, अब सामने से चलते हैं। लेकिन मैं आया था इधर से नहीं जाऊँगा, इधर से जाऊँगा क्योंकि यहाँ से मैं लास्ट टाइम भी गया था, मैंने भैया से पूछा इधर से जाऊँगा तो शॉर्ट पड़ेगा थोड़ा, तो हम इधर से चलेंगे अब। तो वैसे भी नीचे आया हूँ, जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, मेरे को एक भी आदमी नहीं मिला यहाँ से ऊपर को आते हुए, पूरा रास्ता एकदम खाली मिला है। बट मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है, बिल्कुल शांति सुकून से चले जा रहा हूँ मैं।
तो ये लास्ट टाइम मैं नीचे से आया था इस रोड से एंड यहाँ से सीधे गया था, अभी यहाँ से नीचे को जा रहा हूँ, मतलब ये वाले रास्ते से गया था और दूसरे रास्ते से आया हूँ और अब यहाँ से शॉर्टकट लेंगे उसके बाद सीधे नीचे। गाइस अपना ट्रैक कंप्लीट हो गया एंड देख रहे हो मैंने लास्ट टाइम यहीं से स्टार्ट किया था टिफिन टॉप का जो ट्रैक था एंड मैं सोच रहा था रास्ते में आते हुए मैं ये बोलूंगा वो बोलूंगा ब्लॉग में, लेकिन भैया वहां से उतर अच्छा हाँ सबसे बड़ी बात मैं वही बता दूं आपको, मैंने आते टाइम पर ना एक भी शॉर्टकट यूज़ नहीं किया, जबकि इधर से मैं गया तो एक दो शॉर्टकट लिए थे मैंने, उसके बाद फिर नीचे से मैंने कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया मतलब नीचे उतरते वक्त, बाकी मेरे को पता ही नहीं लगा, मैं सोचते सोचते आया मैं ये बोलता हूँ वो बोलूंगा ब्लॉग में लेकिन भूल ही नहीं पाते हैं, पता नहीं कैमरा सामने आती है एक तो स्पीड इतनी कम हो जाती है ना बहुत ज़्यादा बोलने वाली स्पीड, तो वैसे मैं बिल्कुल इजीली बहुत ही आराम से नीचे आते गया कुछ पता ही नहीं लगा। तो अभी यहाँ से घर को चल रहे हैं, एयर जंगल रिजॉर्ट इसके जस्ट बगल में ही है मेरे एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए भी हैं नीचे और इधर को गाड़ी वाड़ी पार्क करी हुई है, चलो नीचे चलते हैं। अभी गाइस अपना ट्रिप कंप्लीट हो गया बिकॉज मैं पहुँच चुका हूँ घर और अभी तो आज अपने दोस्त लंगूर आसपास में ही दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो इनके साथ भी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं एंड बच्चे भी आ चुके होंगे स्कूल से तो उनके साथ भी थोड़ी मस्ती कर लेंगे, जबकि मेरे पास टाइम है काफ़ी अभी, लेकिन मैं अभी वीडियो को यहीं पर एंड कर दूंगा बिकॉज मुझे छोटे मोटे काम भी करने और बच्चों का होमवर्क देख लेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों कर लेंगे। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देंगे एंड कमेंट कर देंगे और वीडियो पसंद आए तो क्या करेंगे लाल घंटा इसके अंदर वो भी दबा देंगे, तोड़ देंगे फोड़ देंगे जो करना है, मोबाइल नहीं तोड़ना है बस घंटे को दबाना है, जो करना है जोड़ो मोड़ो तोड़ो। अभी फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।